हेलो एवरीबडी वेलकम टू माई चैनल दिस इज़ प्रोफेसर इवनीत सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये कंपनी लॉ का एक टॉपिक है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सो so जो लोग आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं मैं उनको बता दूं कि मैंने इससे पहले भी कंपनी लॉ की बहुत सी वीडियोस बनाई हैं अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं उस सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट्स में दे दूंगी तो आप लोग चेक कर लीजिएगा सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता क्या है ठीक है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास हमें रजिस्टर कराना पड़ता है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते समय मतलब कंपनी को स्टार्ट करते समय ठीक है इससे पहले मैंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की वीडियो बनाई थी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसको इनकॉर्पोरेट करते समय कंपनी को आर को मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को देना पड़ता है उसी तरीके से आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ठीक है अब इन दोनों में फर्क क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बताता है कि कंपनी की क्या स्कोप है कि कंपनी क्या काम करेगी ठीक है जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है उसमें यह बताया जाता है कि कंपनी के रूल्स और रेगुलेशंस क्या होंगे मतलब कंपनी जो अंदर जो इंटरनली जो मैनेजमेंट होगा कंपनी का उसमें रूल्स और रेगुलेशन क्या होंगे कंपनी के ठीक है तो सारे रूल्स रेगुलेशन जो है वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखे जाते हैं ठीक है तो जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है वो मेमोरेंडम का सबॉर्डिनेट होता है मीन्स मेमोरेंडम उसको कंट्रोल करता है ठीक है अब कैसे मैं आपको बताती हूँ जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो ये बताता है कि कंपनी क्या काम करेगी वॉट इज टू बी डन ठीक है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमें यह बताता है कि जो काम कंपनी को करना है वो होगा कैसे हाउ इट इज टू बी डन मतलब जो काम मेमोरेंडम में लिखा है वो काम करा कैसे जाएगा उसके रिगार्डिंग क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो हमें आर्टिकल्स जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताता है इसलिए इसे सबॉर्डिनेट बोला जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का ओके अब आ जाओ डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये जो डेफिनेशन है ये हमारी सेक्शन टू सब सेक्शन फाइव के अंडर गिवन है कंपनीज एक्ट 2013 में ठीक है अब इस इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा गया है कि आर्टिकल्स मींस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट uh, जो ओरिजिनली बनाया जाता है या फिर उसे टाइम टू टाइम ऑल्टर किया जाता है ऑल्टर का मतलब होता है चेंज करना इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ या फिर दिस एक्ट मतलब कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग जो एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है या फिर उसे टाइम टू टाइम ऑल्टर किया जाता है उसे हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कहते हैं इसकी डेफिनेशन ये कहती है तो डेफिनेशन इसको लर्न कर लेना और सेक्शन भी याद रखना अब आ जाओ आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन के डेफिन फीचर्स क्या होते हैं अगर आपको फीचर्स आते हैं करेक्टरिस्टिक्स आती हैं एलिमेंट्स तो सारी चीज़ें यही हैं

सो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द मेंबर्स एंड अमंग द मेंबर्स देमसेल्फ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कंपनी का मेंबर्स का मेंबर्स के साथ ही होता है मींस वो कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उसका बाहर वाले लोगों से कोई लेना देना नहीं होता है ठीक है तो एक तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी के मेंबर्स का आपस में ओके okay? सो इट लेस डाउन द ड्यूटीज ऑफ़ शेयर होल्डर्स शेयर होल्डर्स की क्या ड्यूटीज होंगी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मैंशन होती है इट इज़ नॉट बाइंडिंग इन रिलेशन टू आउटसाइडर्स मैंने अभी आपको बताया है कि आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन का आउटसाइडर्स के साथ कोई लेना देना नहीं होता है या आउटसाइडर्स को बाउंड नहीं करता है अब जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये कहा जाता है कि अगर कोई भी पर्सन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट uh, करने आ रहा है तो ये माना जाता है कि वो एम ओ ए पढ़ के ही आया होगा लेकिन जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है वो बाहर वालों को बाइंड नहीं करता है ठीक है उसमें मैंने अभी आपको बताया है कि उस वो मेंबर्स का मेंबर्स के साथ ही एक कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका बाहर वालों से कोई लेना देना नहीं होता है ठीक है उसमें यह बताया जाता है कि कंपनी के क्या रूल्स रेगुलेशन हैं कंपनी कैसे काम करेगी ओके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ स्टेचुटरी क्लॉजेस हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्लॉजेस हैं जो इंसर्ट करने ही पड़ते हैं बाकी और चीज़ें कंपनी अपने अकॉर्डिंग अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग बाकी रूल्स अपने अकॉर्डिंग वो ऐड कर सकती है लेकिन कुछ चीजें हैं जो ऐड करनी ही पड़ती है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कैन बी इंस्पेक्टेड बाय एनीवन इसको कोई भी चेक कर सकता है क्योंकि एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है क्लियर नेक्स्ट इज मॉडल फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स अब देखो कंपनी को अपने आर्टिकल्स बनाने ही पड़ते हैं लेकिन सेक्शन फाइव सब सेक्शन सिक्स में कुछ फॉर्म दे रखे हैं कुछ टेबल्स दे रखे हैं कि अगर कंपनी चाहे तो इन टेबल्स को एज इट इज़ फॉलो कर सकती है एज इट्स आर्टिकल्स ठीक है तो अब देखो लेकिन ये टेबल भी कंपनी के अकॉर्डिंग सेपरेट किए गए हैं जैसे कि टेबल एफ़ जो है वो सिर्फ वही कंपनीज फॉलो कर सकती हैं जो कि लिमिटेड बाय शेयर्स हैं टेबल जी सिर्फ वही कंपनी फॉलो कर सकती है आर्टिकल्स की जो कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है और जिनमें शेयर शेयर कैपिटल है ठीक है और टेबल एच वही कंपनी फॉलो कर सकती है जो लिमिटेड बाय गारंटी तो है लेकिन उसमें शेयर कैपिटल नहीं है टेबल आई को आर्टिकल्स uh, को वही फॉलो कर सकती है जो अनलिमिटेड कंपनी है और जिसकी शेयर कैपिटल है टेबल जे वही कंपनी फॉलो कर सकती है जो अनलिमिटेड कंपनी है और जिसमें शेयर कैपिटल नहीं है ठीक है तो कंपनीज एज इट इज जिस तरीके की कंपनी है उसी टेबल को एज इट इज अपने आर्टिकल्स को बना सकती है मतलब वो एक आर्टिकल्स का एक टेबल दिया होता है वो उस उसे एज इट इज फॉलो कर सकती है लेकिन उनको यह देखना पड़ेगा वो किस तरीके की कंपनी है तो उसी चीज के रिगार्डिंग उनको वही टेबल फॉलो करना पड़ेगा तो ये कुछ मॉडल दे रखे हैं आर्टिकल्स के नेक्स्ट इज आर्टिकल्स ऑफ ए पब्लिक पब्लिक कंपनी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स अगर कोई public company है जो कि लिमिटेड बाय शेयर्स है तो अभी हमने देखा कि जो लिमिटेड बाय शेयर्स वाली कंपनी होती है वो टेबल एफ फॉलो कर सकती है तो अगर कोई पब्लिक कंपनी है जो लिमिटेड बाय शेयर्स है तो वो टेबल एफ अब देखो उसके पास तीन ऑप्शन होते हैं या तो वो पब्लिक कंपनी पूरा ही अपना आर्टिकल बना ले ठीक है जो ऐसा आर्टिकल्स हो जो एक्ट कंपनी एक्ट या फिर मेमोरेंडम के अगेंस्ट ना जाता हो या तो पूरा ही अपना आर्टिकल्स बना ले या फिर ऐसा करे कि पूरा ही टेबल एफ़ फॉलो कर ले जो टेबल एफ़ में गिवन है ठीक है या फिर वो दोनों के बीच में जा सकती है कि कुछ हिस्सा टेबल एफ़ का फॉलो कर ले और कुछ वो अपने रूल्स रेगुलेशन अपने ऑन कर ले आर्टिकल्स में ठीक है तो उनके पास चॉइस होती है वो तीनों में से कोई भी ऑप्शन को फॉलो कर सकते हैं नेक्स्ट इज आर्टिकल्स ऑफ ए प्राइवेट कंपनी प्राइवेट कंपनी का भी अपना आर्टिकल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेकिन प्राइवेट कंपनी में कंडीशन होती है कि उनको अपने आर्टिकल्स में ये रिस्ट्रिक्शंस ऐड ऑन करनी पड़ती है जो रिस्ट्रिक्शन सेक्शन टू सब सेक्शन सिक्सटी एट ऑफ द कंपनी एक्ट के अंडर गिवन है अब ये रिस्ट्रिक्शन कौन सी होती है Uh, अगर वो ये जैसे कि रिस्ट्रिक्शन हो गई कि प्राइवेट कंपनी को अलाउ नहीं होता है कि वो फ्रीली अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है ठीक है तो ये रिस्ट्रिक्शन उनको एड ऑन करनी पड़ती है अपने आर्टिकल्स में या फिर वो पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर सकती है शेयर्स के लिए शेयर सब्सक्रिप्शन के लिए तो ये रिस्ट्रिक्शन भी उनको एड ऑन करनी पड़ती है अपने आर्टिकल में और भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं तो अगर प्राइवेट कंपनी ये रिस्ट्रिक्शंस जो है अपने आर्टिकल्स में एड ऑन नहीं करती है तो फिर उसको प्राइवेट कंपनी का स्टेटस नहीं मिलेगा ठीक है नेक्स्ट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट्स क्या होते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया कि उसमें रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं अब किस चीज़ के रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं तो इन सब पॉइंट्स के रिगार्डिंग रूल्स बनाए जाते हैं कि ये चीज़ें कैसे होंगी जैसे प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट को कैसे अडॉप्ट किया जाएगा ठीक है शेयर्स की क्या वैल्यू होगी क्या नंबर होगा शेयर्स को कैसे अलॉट किया जाएगा शेयर्स के ऊपर कॉल्स कितने की होंगी शेयर्स के ऊपर लियन कितने का होगा मतलब राइट right कितना होगा ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स के रिगार्डिंग क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं फोर फीचर ऑफ शेयर्स फोर फीचर का मतलब होता है कैंसिल कि शेयर्स कैंसिल कैसे होंगे अगर कैप कैपिटल को आप ऑल्टर करना चाहते हो तो उसका क्या प्रोसीजर होगा क्या रूल्स होंगे उसके रिगार्डिंग ठीक है अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो शेयर्स को स्टॉक में या फिर वोटिंग राइट्स के रिगार्डिंग मीटिंग्स डायरेक्टर्स को कैसे अपॉइंट किया जाएगा ठीक है क्या कंपनी की बोरिंग पार होगी कंपनी कितने डिविडेंड बनाएगी कितने रिजर्व रखेगी कंपनी का ऑडिट कब होगा कितने अकाउंट्स उनको बनाने पड़ेंगे और कंपनी कैसे वाउंड अप होगी इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग रूल रूल्स और रेगुलेशन किसमें गिवन होते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ओके okay? अब आ जाओ प्रोसीजर ऑफ ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को भी आप ऑल्टर कर सकते हो लेकिन उसकी ऑल्ट्रेशन बहुत मुश्किल होती है उसी तरीके से आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को भी ऑल्टर कर सकते हो और आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन को हम हमेशा स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ही ऑल्टर करते हैं लेकिन उसका एक प्रोसीज़र होता है तो ये प्रोसीज़र जो है हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है हमें जब आर्टिकल्स को ऑल्टर करना पड़ता है ऑल्टर का मतलब होता है अगर हम उस

तो जो सेक्रेटरी है वो जनरल मीटिंग को कन्वीन करेगा अपॉइंटेड डे मतलब जो डेट बोर्ड ने फिक्स करी है उस दिन उस मीटिंग में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा ठीक है कि हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अमेंड कर रहे हैं अमेंड का मतलब उसे चेंजेस कर रहे हैं उसमें उसे ऑल्टर कर रहे हैं ठीक है स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया अब जैसे ही स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ उसके तीस दिन के अंदर अंदर जिस कॉपी पे हमने ऑल्ट्रेशन करी है आर्टिकल्स की वो सर्टिफाइड कॉपी हम किसको फाइल करेंगे हम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को देंगे कितने दिनों के अंदर अंदर तीस दिन के अंदर अंदर ओके okay? अब देखो इन केस अगर हम आर्टिकल्स को ऑल्टर कर रहे हैं जिसमें हम कंपनी को कन्वर्ट कर रहे हैं मतलब पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसके केस में कंपनी को अल्टरेशन करने से पहले ट्रिब्यूनल की भी अप्रूवल लेने की जरूरत होगी मतलब ट्रिब्यूनल से अप्रूवल लेना पड़ेगा ओके अब ट्रिब्यूनल के पास गए ट्रिब्यूनल ने अप्रूवल दे दिया कि हाँ भाई आप कन्वर्ट कर सकते हो तो फिर जो प्रिंटेड कॉपी होगी आर्टिकल्स की उसको भी हमें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को सबमिट कराना पड़ेगा लेकिन कब सबमिट कराना पड़ेगा पंद्रह दिन के अंदर अंदर और वो पंद्रह से काउंट होंगे जिस दिन से हमें ट्रिब्यूनल ने अप्रूवल दिया है उससे पंद्रह दिन के अंदर अंदर हमें वो प्रिंटेड कॉपी आर्टिकल्स की रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को सबमिट करनी पड़ेगी ओके अब हमने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को कॉपी सबमिट कर दी उसके बाद अमेंड हो गया हमारा आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन अब सिक्स कॉपीज मतलब छ कॉपीज अमेंडमेंट की हमें स्टॉक एक्सचेंज को भेजनी पड़ेगी कौन सा स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे कंपनी ने अपने शेयर्स को लिस्ट कर रखा है मतलब जहाँ पे कंपनी के शेयर सेल परचेज होते हैं या लिस्ट कर रखे हैं वहाँ पर छे कॉपीज उनको भेजनी पड़ेगी स्टॉक एक्सचेंज को ठीक है मतलब उनको बताना पड़ेगा कि हमने अपने आर्टिकल्स में ऑल्ट्रेशन कर ली है अब कंपनी के पास जितनी भी कॉपीज है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की उन सब के ऊपर उनको आर्टिकल्स में जो हमने ऑल्ट्रेशन करी है वो मेंशन करनी पड़ेगी ठीक है अगर एक भी कॉपी अगर छूट जाती है जिसपे आपने ऑल्ट्रेशन नहीं लिखी है या नहीं मेंशन करी है उस कॉपी में तो उस केस में जितने भी ऑफिसर उस चीज के लिए जिम्मेदार होंगे उनको फाइन लगेगा अब फाइन कैसे लगेगा कि जि जिस 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 कॉपी पे आपने ऑल्ट्रेशन नहीं मेंशन करी है वो हर कॉपी के लिए आपको एक हजार रुपये उस पर्सन को फाइन लगेगा जो कि ऑफिसर उस समय रिस्पॉन्सिबल होगा मींस कंपनी को तो फाइन लगेगा साथ में ऑफिसर्स को भी फाइन लगेगा क्योंकि ऑफिसर ही तो ऑल्ट्रेशन को लिखेंगे ना मतलब कम जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की कॉपी है उसमें मैंशन करेंगे ना तो हर कॉपी के लिए जिसके ऊपर ऑल्ट्रेशन मैंशन नहीं है उसका वन फॉर ईच कॉपी आपको फाइन पे करना पड़ेगा ओके okay. तो ये प्रोसीजर था हमारा ऑल्टर करने का अब देखो ऑल्ट्रेसन करनी इतनी आसान भी नहीं होती है लेकिन आप रेजोल्यूशन से स्पेशल रेजोल्यूशन से ऑल्ट्रेशन कर सकते हो आर्टिकल्स को लेकिन कुछ लिमिटेशंस होती है आर्टिकल्स को ऑल्टर करने की वो हमें फॉलो करनी पड़ती है सबसे पहला है कि ऑल्ट्रेशन अगर आप आर्टिकल्स में कर रहे हो आपके कंपनी एक्ट के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ ऐसी ऑल्ट्रेशन कर रहे हो जो आपकी कंपनी एक्ट के ही अगेंस्ट जा रही है मतलब कंपनी एक्ट कुछ और कह रहा है और आपकी ऑल्ट्रेशन कुछ और कह रही है उसके अगेंस्ट जा रही है तो वो ऑल्ट्रेशन वैलिड नहीं मानी जाएगी देन नेक्स्ट इज मस्ट नॉट अगेंस्ट द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मैंने आपको पहले ही बोला है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है उसके अंडर ही आता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तो आपकी ऑल्ट्रेशन कुछ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो मेमोरेंडम के अगेंस्ट जा रही है मतलब मेमोरेंडम में कुछ लिखा है और आपने कुछ ऐसी ऑल्ट्रेशन कर ली जो बिल्कुल मेमोरेंडम के अगेंस्ट जा रही है उसके प्रोविजन के अगेंस्ट जा रही है ठीक है इनकेस मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में कोई कंफ्लिक्ट होता है है, means, दो चीजें हैं जो एक दूसरे के अगेंस्ट जा रही है तो हमेशा उसी चीज को फॉलो किया जाएगा जो मेमोरेंडम में लिखी है क्योंकि मेमोरेंडम जो है वो फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कंपनी का ओके तो आप ऐसी ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते जो मेमोरेंडम के अगेंस्ट जा रही है नेक्स्ट इज मस्ट नॉट सेंशन एनीथिंग इलीगल आप इस तरीके की ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते जो कि इलीगल हो या फिर पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो ठीक है मीन्स जो लीगल ही नहीं मानी जाती वैसे आप इजिली ऑल्टर कर सकते हो आर्टिकल्स को लेकिन जो भी आप करो वो लीगल होनी चाहिए और उसे मेमोरेंडम या फिर जो लॉ है उसे इलीगल घोषित ना करें मतलब वो लीगल चीज होनी चाहिए आप उसके रिगार्डिंग ऑल्ट्रेशन कर सकते हो नेक्स्ट इज ऑल्ट्रेशन आपकी इस तरीके की नहीं होनी चाहिए कि वो माइनॉरिटी के लिए फ्रॉड हो जाए मतलब ऐसा नहीं है कि आप माइनॉरिटी के साथ फ्रॉड करने जा रहे हो उस ऑल्ट्रेशन को करने के बाद ठीक है मीनस ऑल्ट्रेशन इज नॉट फॉर द बेनिफिट अगर आपकी ऑल्ट्रेशन कंपनी के बेनिफिट के लिए नहीं है लेकिन मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए है अब आपको पहले यह पता होना चाहिए मेजोरिटी क्या होता है माइनॉरिटी क्या होता है सपोज टोटल शेयर्स में से नाइनटी एट मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास है और जो दो है वो माइनॉरिटी मीन्स जिसके पास दो शेयर है उसे हम माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स बोलेंगे और जिनके पास

आर्टिकल्स में ऐसी नहीं होनी चाहिए जो मेंबर्स की लाइबिलिटी को बढ़ा दे इसका मतलब यह होता है कि ऑल्ट्रेशन कुछ इस तरीके की नहीं होनी चाहिए जिससे कि आप एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स हैं उनको मजबूर करो कि आपको और ज्यादा शेयर हमसे खरीदने पड़ेंगे तो अगर वो ऐसा करेंगे तो उनकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी ना तो इस तरीके की ऑल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए ठीक है हाँ अगर मेंबर्स अपने आप लिख के दे देते हैं अपना कंसेंट दे, दे देते हैं लिख के कि हाँ भाई हम न और शेयर्स खरीद लेंगे हम अपनी लाइबिलिटी इंक्रीज़ कर लेंगे आप ऑल्ट्रेशन कर दीजिए तो उस केस में वो ऑल्ट्रेशन वैलिड मानी जाएगी अदरवाइज आप किसी लाइबिलिटी किसी मेंबर की लाइबिलिटी अपने आप इंक्रीज नहीं कर सकते बिना उनसे पूछे नेक्स्ट इज मस्ट नॉट कॉज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट ऑल्ट्रेशन आर्टिकल्स में इस तरीके की नहीं होनी चाहिए जो कि किसी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दे जो कि पहले से हुआ हुआ है ठीक है तो उस केस में वो ऑल्ट्रेशन वैलिड नहीं मानी जाएगी ऐसा नहीं हो सकता कि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट को निभाने से बचने के लिए अपनी ऑल्ट्रेशन कर दे आर्टिकल्स में और बच जाए ऐसा नहीं हो सकता है तो ये एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ ये केस है ब्रिटिश मुरक सिंडिकेट वर्सेस एल्पेट्रॉन रबर कंपनी लिमिटेड का अब देखो बहुत सारे केसेस हो जाते हैं लॉ में तो कई बार आप भूल जाते हैं तो इनकेस अगर आप इस केस का नाम भूल गए तो आप इसे एग्जाम्पल की तरह लिख दीजिए लेकिन एग्जाम्पल लिख के ज़रूर आइएगा उसमें एक्स वाई ए बी कुछ भी बना दीजिए आप केस का नाम अगर भूल गए हैं तो मत लिखिए बट एग्ज़ाम्पल जरूर लिख के आइए तो ये केस क्या था कि एक एग्रीमेंट हुआ था एक्स कंपनी का वाई कंपनी के साथ एक्स कंपनी ने बोला कि मैं वाई कंपनी में फाइव थाउजेंड शेयर्स खरीदूंगी एक्स कंपनी ने वाई कंपनी में पाँच हज़ार शेयर्स खरीदे और एक एग्रीमेंट हुआ इन दोनों के बीच में ठीक है जिसमें वाई कंपनी ने एक्स कंपनी को ये राइट दिया कि आप हमारी कंपनी में दो डायरेक्टर्स को नॉमिनेट कर सकते हो अपॉइंट कर सकते हो ठीक है और ये प्रोविजन को वाई कंपनी ने अपने आर्टिकल्स में भी लिख दिया कि हाँ भाई एक्स कंपनी ने हमारी कंपनी में पांच हजार शेयर्स खरीदे हैं अब वो दो डायरेक्टर्स हमारी कंपनी में नॉमिनेट कर सकती है तो ये एग्रीमेंट हुआ था ओके जब एक्स कंपनी ने दो डायरेक्टर्स को दो पर्सन को एज अ डायरेक्टर्स नॉमिनेट करा वाई कंपनी में तो वाई कंपनी ने उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया अब ऐसे करके तो वाई कंपनी ने अपने एग्रीमेंट को तोड़ दिया ना जो उन्होंने एग्रीमेंट पहले से करा था तो इस इस चीज से बचने के लिए वाई कंपनी ने क्या करा हम ऐसा करते हैं हम अपने आर्टिकल्स को अमेंड कर देते हैं उसको चेंज कर देते हैं और इस कंडीशन को हटा देते हैं कि एक्स कंपनी वाई कंपनी में डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करेगी तो इससे तो ये होगा ना कि आप ऑल्ट्रेशन इसलिए कर रहे हो ताकि आप कॉन्ट्रैक्ट उस वजह से उस ऑल्ट्रेशन अगर आप करते हो तो उस ऑल्ट्रेशन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा जो पहले से एक्स और वाई कंपनी के बीच में हुआ है ठीक है तो मीन्स आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हो तो जैसे ही एक्स कंपनी को ऐसे पता चला वो कोर्ट से इंजेक्शन ऑर्डर ले आई इंजेक्शन ऑर्डर का होता है कि कोर्ट से ऑफिशियल ऑर्डर ले आई कि आप वाई कंपनी को ऐसा करने से रोकिए कि वो अपने इस केस में अपने आर्टिकल्स को ऑल्टर नहीं कर सकती है क्योंकि इससे क्या होता है अगर ये आर्टिकल्स ऑल्टर हो जाते हैं तो उससे वो कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा जो पहले एक्स और वाई के बीच में हुआ है ठीक है सो आर्टिकल्स ऐसे नहीं ऑल्टर होने चाहिए जिससे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट टूटे ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना नेक्स्ट इज रेट्रोस्पेक्टिव ऑल्ट्रेशन अब इस पॉइंट को समझाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है सिंपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ एक पर्सन ने दो साल पहले कोई क्राइम करा ठीक है अब वो क्राइम उस समय पनिशेबल था मतलब उसकी सज़ा मिलती थी अब दो सालों से उसकी कोर्ट में हेरिंग चल रही थी ओके okay? उस क्राइम के रिगार्डिंग दो साल बाद क्या हुआ कि एक्ट में अमेंडमेंट हुई और जो क्राइम उस पर्सन ने दो साल पहले करा था उसे क्राइम घोषित ही खत्म कर दिया मतलब कह दिया कि ये तो क्राइम है ही नहीं है और उसकी सजा भी खत्म कर दी गई ठीक है तो ये एक अमेंडमेंट हुई ओके अगर हम इस अमेंडमेंट को बैक डेट से फॉलो करते हैं मतलब दो साल पहले से फॉलो करते हैं और अगर हम उस पर्सन को आज़ाद कर देते हैं कि भाई इसके ने तो क्राइम किया ही नहीं है ठीक है तो इसे हम बोलेंगे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब अगर आप किसी किसी अमेंडमेंट को किसी चीज़ को बैक डेट से फॉलो करते हैं ठीक है तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वैसे तो जिस दिन से अमेंडमेंट होती है उसी दिन से अप्लाई होता है कि जो अमेंडमेंट है उसी दिन से अप्लाई होती है लेकिन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ भी ऑल्टर कर सकते हैं मतलब उसे बैक डेट से भी हम उस अमेंडमेंट को फॉलो कर सकते हैं ठीक है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आर्टिकल्स हमेशा ही रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ होगा नहीं ठीक है लेकिन ये प्रावधान है कि हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ ऑल्टर कर सकते हैं अब ये कोर्ट के ऊपर है कि वो उस चीज को एक्सेप्ट करे उसको अगर लगेगा कि हाँ ये बेनिफिट के लिए है तो वो उसे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ फॉलो कर सकता है अदरवाइज अगर कोर्ट को नहीं लगेगा तो वह उसे रिजेक्ट कर देगा ठीक है लेकिन ऐसा प्रावधान है कि आप उसे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ ऑल्टर कर सकते हो ओके नेक्स्ट नॉट बी विद एनी ऑल्ट्रेशन मेड बाय द ट्रिब्यूनल अब सपोज ट्रिब्यूनल ने कोई ऑर्डर पास करा है जिससे कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कोई ऑल्ट्रेशन ऑटोमेटिकली हो गई है उनके ऑर्डर से तो अब कंपनी कुछ ऐसी और ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकती जिससे कि ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट जाए मतलब कुछ ऐसी और ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकती जो कि ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर करा है उसके अगेंस्ट जाए मींस उस ऑर्डर के अगेंस्ट जाए तो इस तरीके की ऑल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए वो वैलिड नहीं मानी जाएगी जब तक आप ट्रिब्यूनल से पूछ नहीं लेते उस चीज के रिगार्डिंग नेक्स्ट इज अप्रूवल ऑफ़ द ट्रिब्यूनल फॉर द कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इन टू प्राइवेट कंपनी ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर आपको पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना है और उस चीज़ के रिगार्डिंग अपने आर्टिकल्स में ऑल्ट्रेशन करनी है तो उससे पहले आपको ट्रिब्यूनल से अप्रूवल लेना पड़ेगा अदरवाइज आप ऐसी ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते नेक्स्ट इज बाय स्पेशल रेजोल्यूशन ओनली आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को आप हमेशा ही स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ही ऑल्ट्रेशन कर सकते हो ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से कभी भी ऑल्ट्रेशन नहीं होती है नेक्स्ट इज मस्ट बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी जो हमारी ऑल्ट्रेशन है वो कंपनी की पूरी कंपनी के बेनिफिट के लिए होनी चाहिए यहाँ पे होल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब पूरे कंपनी के बेनिफिट के लिए होनी चाहिए इन दिस केस द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी कैन बी सेक्रीफाइस अब यहाँ पे आपको आप बोलोगे कि पहले आपने बोला है कि माइनॉरिटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए फ्रॉड नहीं होना चाहिए अब आप यहाँ पे कह रहे हो कि भाई इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी को आप सेक्रीफाइस कर सकते हो तो ये क्या बात बनी मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ वहां पे जब मैंने आपको पॉइंट कराया था तो मैंने बताया था कि उस समय वो जो ऑल्ट्रेशन करी जा रही थी वो कंपनी पूरी कंपनी के लिए बेनिफिशियल नहीं थी वो सिर्फ मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए बेनिफिट में थी तो इसलिए वो ऑल्ट्रेशन वैलिड नहीं मानी जाती लेकिन अगर कोई ऑल्ट्रेशन पूरी कंपनी के लिए बेनिफिट है तो उस केस में आप किसी माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर सकते हो अगर वो पूरी कंपनी के बेनिफिट के लिए है अब इसमें हमारा बोला गया था कि कंपनी जो है दंपनी लेट है उन शेयर्स के ऊपर जो शेयर्स नॉट फुली पेड है नॉट फुली पेड शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिन पे पूरी कॉल्स आई नहीं होती है तो पूरी पेमेंट नहीं आई होती है अभी कुछ कॉल्स ड्यू होती हैं ठीक है तो ये आर्टिकल्स में, में था कि कंपनी का उन शेयर्स के ऊपर पूरा हक है जो नॉट फुली पेड है अब कंपनी में एक ही पर्सन था ए जिसके पास फुली पेड शेयर्स थे मतलब जिसने सारी कॉल्स पे कर रखी थी उसके शेयर्स फुली पेड थे लेकिन इसके अलावा ए ने कुछ पैसे कंपनी को देने भी थे किस चीज़ के रिगार्डिंग फॉर कॉल्स ड्यू ऑन अदर शेयर्स मतलब एक तो उसके पास फुली पेड शेयर्स थे और एक उसके पास उसने कोई और शेयर्स भी ले रखे थे कंपनी के में जिसके लिए उसने पैसे देने थे कंपनी को ठीक है और उसके लिए कॉल्स ड्यू थी ओके अब क्या हुआ ए की डेथ हो गई अब एक ही डेथ हो गई तो कंपनी ने क्या करा अपने आर्टिकल्स को ऑल्टर कर दिया ठीक है और उसने उन वर्ड्स को डिलीट कर दिया जो कि पहले अपने आर्टिकल्स में मेंशन थे नॉट फुल पेड को डिलीट कर दिया अब नॉट फुली पेड आप डिलीट हुआ तो इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी का अब जितने भी शेयर है चाहे फुली पेड है चाहे नॉट नॉट फुली पेड है सब पे ही उसका लियन एक्सरसाइज हो गया मतलब उसका हक जो है एक्सरसाइज हो गया तो ऐसे करके ए के शेयर के ऊपर भी उसका हक आ गया ठीक है तो अब ये माना गया यहां पर थोड़ा सा लॉस जरूर हुआ है लेकिन ये जो ऑल्ट्रेशन थी वो पूरी कंपनी के लिए फायदेमंद में थी तो इसलिए इस ऑल्ट्रेशन को वैलिड माना गया क्योंकि ये पूरी कंपनी के के लिए फायदे के लिए फायदे थी ओके नेक्स्ट इज कैन नॉट बी मेड क्योंकिबल आप आर्टिकल्स में आप आर्टिकल में ऐसी कोई चीज नहीं लिख सकते मतलब ऐसी कोई ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते जैसे कि अगर आपने आर्टिकल्स में लिख दिया कि अब इसे दोबारा से ऑल्टर नहीं किया जा सकता मतलब आर्टिकल्स को आप ऐसी ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते जिससे कि वो अनऑल्टरेबल बन जाए आर्टिकल को आप हमेशा ही ऑल्टर कर सकते हो नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ शेयर होल्डर ऑल्ट्रेशन हमारी ऐसी नहीं होनी चाहिए आर्टिकल्स की जिससे कि दो ग्रुप्स जो है जो माइनॉरिटी और मेजोरिटी के बीच में डिस्क्रिमिनेशन हो मतलब ऐसा नहीं कि आप एक को बेनिफिट दे रहे हो और दूसरे को नुकसान पे नुकसान हुए जा रहा है तो ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए इस तरीके की ऑल्ट्रेशन वैलिड नहीं मानी जाएगी सो आई होप आपको आज का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा इनकेस फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए और हाँ अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है और आप आगे फर्दर भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो थैंक यू